माने वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, मैंने वंदे मातरम वर्जन सुना जो कि गाया है टाइगर श्रॉफ ने। अगर आपने नहीं सुना है पहले तो जाके आप उसको सुन लो यूट्यूब के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस लड़के ने गाया है और काफ़ी अनबिलीवेबल सी सिंगिंग लगी। हाँ, ये बात सच है कि उनकी वॉइस को यहाँ पर प्रोसेस किया गया, पर कितना प्रोसेस, जिस तरीके की उनकी मेरे ख्याल से अंदर आत्मा है प्योर, और जो हमें लगता है वो स्वीट बॉय है, उसी की तरीके से उसने बहुत ही स्मूथ तरीके से ये गाना गाया है। और साथ ही साथ में ये बोला जाता है कि अगर आप मन से ऑनेस्ट हो ना तो आपकी आवाज़ में वो मिठास होती है। तो सरप्राइजिंगली जिस तरीके से उसने ऑनेस्टी से गाना निभाया है बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से उसने वंदे मातरम वाला जो है ना, जो बीच में आता है, जैसे मुखड़े में तो नहीं आता, वो अंतरे के अंदर आता है, तो वो ऐसा लगा कि जैसे मतलब मन से निकल रहा है वंदे मातरम। ऐसा लग रहा है कि मेरे को देशभक्ति की भावना थी जो मेरे को बड़ी फ्लो होके निकल रही है। बहुत ईज आउट तरीके से उसने गा दिया, कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया है कि तेज़ तेज़ शब्दों को बोला जाए, बहुत धीरे धीरे ठहराव से सिंगिंग हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। कभी भी कोई भी जो अनट्रेंड सिंगर होता है वो ये अप्रोच अगर लेता है तो उसके अंदर ईजिली शब्दों का क्लैरिटी आता है, इसलिए वो समझ भी अच्छी तरीके से आते हैं, जो यहाँ पर भी आया, बहुत बढ़िया लगा। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से शूट हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से शूट हुआ है। इसमें जो इंडिया का दमखम है वो दिखता है और हर एक फील्ड में दिखता है, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो नेवी हो। और जिस तरीके से उन्होंने क्लोजअप शॉट्स लिए हैं इसके, स्पेसिफिकली हमारे दमखम के, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। तो विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा हिट हो जाएगा, बट सुनने में देखने में ये अच्छा इंप्रेसिव गुड सॉन्ग लगा। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है। आप एक बार ही देखो और आप शेयर करो कि आपके क्या व्यू पॉइंट है। मुझे काफ़ी हद तक ये अच्छी सिंगिंग लगी, प्रोसेस करी हुई है थोड़ी सी वॉइस, लेकिन उसके बाद जो लेकिन फाइनल आउटपुट आया है बहुत अच्छा आया है विजुअली। और अगर मैं ऑडियो को कंबाइन करके एज एन आउटपुट देखूँ, ब्रिलियंट। रेमो डिसोजा ने शायद इसकी कोरियोग्राफी करी है, अच्छा काम किया है, बढ़िया। तो थम्स अप है मेरी तरफ से। आप एक बार सुनो और उसके बाद फिर अपना रिएक्शन भी शेयर करना। बाय बाय।